आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं, वो मुद्दा पीएम केयर फंड्स के द्वारा दिए जाने वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई में पीएम केयर फंड्स की तरफ से अभी तक वेंटिलेटर जा चुके हैं? और जिस तरह के पोस्ट बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए पीएम केयर फंड्स के नाम पर, वेंटिलेटर पर पीएम केयर्स का लोगो लगा करके जिस तरह से तस्वीरें वायरल की गई, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा एक और भी करेंगे कि क्या वेंटिलेटर में घोटाला किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल पीएम केयर्स फंड मार्च में बनाया गया था। पहले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की घोषणा की। हालांकि पहले से ही देश के अंदर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड हुआ करता था, लेकिन उससे अलग एक और फंड बनाया गया जिसको पीएम केयर्स फंड का नाम दिया गया। कहा गया कि ये फंड कोरोना से लड़ने में काम आएगा और देश भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर के छोटे से छोटे व्यक्ति तक इस फंड में लोगों ने दान किया। अच्छा खासा पैसा जमा किया गया, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो गई पीएम केयर्स फंड में। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है? दरअसल 23 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की गई पीएमओ की तरफ से, जिसमें कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके द्वारा 50,000 वेंटिलेटर, भारतीय वेंटिलेटर यानी कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर जो है, वो अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर। अब सवाल ये उठता है कि इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी ज़रूरी है। इसको लेकर के पीएमओ की प्रेस रिलीज के मुताबिक एक वेंटिलेटर का दाम 4 लाख रुपये बताया गया, जबकि वेंटिलेटर बनाने वाली जो कंपनी थी जिसका नाम था AGVA हेल्थ केयर, उसने अपने कोटेशन में 1.5 लाख रुपए कीमत बताई। मतलब जो बना रहा है वो 1.5 लाख रुपए कोट कर रहा है और जो बनवा रहा है वो 4 लाख रुपए कोट कर रहा है। आप समझ सकते हैं ये क्या होता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं करने की ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी खुद 1.5 लाख में देने को तैयार है, तो फिर पीएम केयर्स फंड से 4 लाख रुपए का वेंटिलेटर क्यों खरीदा जा रहा है? ये आमतौर पर भी समझ में आने वाली बात है और कांग्रेस ने भी इस पर कई सारे सवाल किए खड़े। लेकिन सवाल ये बनता है कि 23 जून को 2000 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले ही बीजेपी के नेता पीएम केयर्स के नाम पे एक वेंटिलेटर की तस्वीर को वायरल करना शुरू कर देते हैं। देश के जाने माने प्रवक्ता, बीजेपी के धुरंधर प्रवक्ता संबित पात्रा, जो अपने झूठ के लिए काफ़ी मशहूर हैं, ना जाने कितनी स्टोरीज उनके ट्वीट पर और उनके झूठ पर अभी तक बन चुकी होंगी, जाने कितनी न्यूज़। अभी फिर से एक और मामला सामने आ गया। संबित पात्रा ने 23 जून में 2000 करोड़ रिलीज होते हैं, लेकिन उससे पहले 14 जून को ही अपने ट्विटर हैंडल से एक वेंटिलेटर की तस्वीर पोस्ट की। उस पर लिखा ऊपर #PMCares, नीचे वेंटिलेटर लगा हुआ था, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें हमने सर्किल किया हुआ है, लिखा हुआ है पीएम केयर्स का एक लोगो लगा हुआ है कि यानी कि ये जो वेंटिलेटर है ये पीएम केयर्स की तरफ से दिया गया है। इसको सिर्फ संबित पात्रा ने नहीं किया, बल्कि कॉपी पेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे कि आईटी सेल के लोग कर लेते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीएल जोशी से लेके अरविंद मेनन हो या अनिल शर्मा हो या शंकर चौधरी हो या फिर प्रीति गांधी हो, सभी ने इसको बाकायदा रीट्वीट रीट्वीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बीएल जोशी ने तो ये तक कह डाला कि अभी तक पिछले 70 साल में जितने वेंटिलेटर नहीं आए, अब पीएम केयर से उतने वेंटिलेटर आने वाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वे ये जो फोटो थी, ये तस्वीर वाकई में उस वेंटिलेटर की थी जो पीएम केयर से आया? इसको लेकर के एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। वेंटिलेटर सेम है, एक पे पीएम केयर्स लिखा हुआ है जो कि फोटोशॉप्ड है, यानी कि मॉर्फ्ड पिक है, यानी कि वेंटिलेटर ये पीएम केयर्स फंड का नहीं था, लेकिन इस पे पीएम केयर्स का लोगो लगाया गया, उसके बाद इसको वायरल किया गया। और असली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर पर कहीं पे पीएम केयर्स का कोई लोगो नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो तस्वीर बीजेपी के नेता वायरल कर रहे थे, उस तस्वीर का पीएम केयर्स फंड से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि वो जो वेंटिलेटर जिसको पीएम केयर्स फंड का क्लेम किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसका पीएम केयर्स फंड से कोई लेना देना नहीं है। एक और खबर आई 30 जून को, पता चला कि जो 2000 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, आवंटित किए गए थे, वो तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुए, फिर वेंटिलेटर कहाँ से बनेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये बनता है कि संबित पात्रा कहाँ ले जा करके छोड़ेंगे देश को, क्या हल करना चाहते हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ट्वीट करते रहते हैं, और ट्विटर को भी कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए कि इतने झूठे लोगों पे कभी तो कोई कार्रवाई ट्विटर को करनी चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया।